टिहरी से विधायक और राज्य के पर्यटन मंत्री दिनेश धने ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस अपने राजनीतिक जमीन खिसकते देखकर घबरा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के विरोध के बावजूद पर्यटन मंत्री दिनेश धने ने जाखड़े धार की कोशियार ताल पंपिंग पेयजल योजना का उद्घाटन किया। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि पंपिंग योजना का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, बावजूद इसके दिनेश धने उद्घाटन कर रहे हैं। वही दिनेश धने का कहना है कि इस पेयजल योजना के उद्घाटन होने से 27 गांवों तक पानी पहुंचेगा, जबकि बाकी का काम 6 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के उद्घाटन से जहां गांव के लोगों में खुशी है, तो वही बीजेपी और कांग्रेस जानबूझकर इसका विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, सारे मीडिया के लोगों से, सारे भाइयों से, कि एक बार जहां जहां पानी जा रहा है उन गांव के लोगों से पूछो कि इस योजना का कितना महत्व है उनके लिए, उनकी दिनचर्या में इसका कितना फर्क पड़ा है। तो ये निवेदन मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जरा उन गांव में भी जाने की कोशिश करें, और क्योंकि 10 साल से जो योजना चल रही थी जहां पाइप पड़े थे, कहीं पाइप फट गए हैं, कहीं पाइप चोरी हो गए हैं, तो वो दिक्कत विभाग के सामने है। लेकिन हम इन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, जो दिक्कत है उन दिक्कतों का सामना करते हुए, हम उन सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे जहां जहां इस योजना को लागू होना है।